नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि कई बार हम लोग समास पढ़ते हैं और उसकी कई बार कुछ जगह हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको उसमें ट्रिक, इसकी पहचान और इसके एग्जाम्पल्स, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे समास क्या होता है। समास बेसिकली होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। सार्थक शब्द क्यों बोला मैंने, सार्थक शब्द का ये मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द आपने या दो से ज़्यादा शब्द जोड़ दिए इनका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको हम समास नहीं कहेंगे। जिसका मतलब बनता है प्रॉपर तरीके उसको कहा जाएगा समास। अब देखते हैं हम समास के भेद। समास के जो भेद होते हैं वो आपके टोटल 6 होते हैं और यहीं से आपका समास क्या हो जाता है, शुरू होता है। मेन चीज़ है कि आपके 6 भेद होते हैं और इन भेद को समझना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो ये 6 भेद, पहला भेद होता है आपका अव्ययी भाव समास। पहला भेद है आपका अव्ययी भाव समास। अब चीज़ आपको बस यहीं पे मैं एक एक चीज़ को यहीं एक्सप्लेन करूँगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है, देखिएगा। अव्ययी भाव समास की जो डेफिनेशन अगर कहा जाए, परिभाषा कहा जाए, तो ये है कि पहला पद इसका अव्यय होता है और प्रधान होता है। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी प्रधान का क्या मतलब होता है यहाँ पे। अव्यय तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रधान, क्योंकि हम कई बार या प्रथम पद या पूर्व पद जिसको कहेंगे, उत्तर पद या फिर दूसरा पद या आखिरी पद हम जिसको कहेंगे, वो उसके बारे में हमें समझना, क्योंकि वो कई बार प्रधान होगा। प्रधान का मतलब था मेन, उसी के बारे में बात हो रही हो, मेन उसी की बात हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं प्रधान। तो यहाँ पर बोला कि पहला पद आपका प्रधान होता है या अव्यय होता है। अव्यय तो आप समझते ही हैं, जैसे कि देखिएगा, अब अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन, प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, लेकिन किस इसकी पहचान देखी जाए कि भाई कैसे अव्यय आएंगे, क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी अगर पहला अव्यय क्या, पहला पद क्या हो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर, इस तरीके से आपके अव्यय मोस्टली होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। प्रतिदिन, अगर इसका समास विग्रह में करूँगा प्रतिदिन का, तो होगा प्रत्येक दिन। भर पेट, इसका समास विग्रह होगा पेट भर के। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होगा इच्छा के विरुद्ध, मतलब इसका समास विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध। तो आपने देखा होगा प्रति, भर और प्रति के अनु, भर, यथा, यावत, हर, इस तरह के आपके अव्यय या प्रथम पद हो सकते हैं। चलिए अब हम जाते हैं दूसरे पर, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की जो डेफिनेशन वो है कि इसमें बाद का पद, बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है, मतलब पहला पद या पूर्व पद और इसके बाद का पद, जो बाद वाला पद होता है उसको बोलते हैं हम उत्तर पद। तो बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें हमने देखा कि अव्ययी भाव समास का प्रथम होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और साथ में इसकी चीज़ क्या है कि इसमें कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। क्या होते हैं, कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। तो इसलिए जो आपके तत्पुरुष समास होता है ना, वो भी आपका 6 तरीके का होता है। जो आप, अब आप कहें सर किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तत्पुरुष समास 6 तरीके का होता है, जिसमें आपकी विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियों का आपने एक सूत्र तो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, के लिए अपादान से, अलग होना संप्रदान का, की के, और अधिकरण में, पेपर, इस तरीके से आपकी जो विभक्तियाँ होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति को हटा दिया जाए तो द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक, जो टोटल 6 विभक्ति हैं आपके, उसके 6 तरह के आपके तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे या फिर कर्म तत्पुरुष कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष कहेंगे या फिर करण तत्पुरुष कहेंगे, चतुर्थ तत्पुरुष कहेंगे या फिर संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे, पंचमी तत्पुरुष कहेंगे या फिर अपदान तत्पुरुष कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे या संबंध तत्पुरुष कहेंगे, या सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे या फिर अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। अब इनको एक एक को बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष पर होंगे। आपको बता दें कि जो तत्पुरुष होता है उसमें विभक्तियों का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पर इसका जो कारक चिन्ह है वो है को। कर्म तत्पुरुष का जो कारक तत्व, जो चिन्ह लोप होता है, वो था को, गगन चुंबी। ये आपका समस्त पद है, इसका अगर समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला,
तो यहाँ पर को जो है को आपका क्या होता है, लोप हो जाता है, गगन चुंबी। अब हम आते हैं करण तत्पुरुष पे, जिसमें कौन से व्यक्ति का लोप होता है, से या के द्वारा लोप होता है इसमें, जैसे कि शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, सूरचरित, सूर द्वारा चरित। तो इस तरीके से अगर आपको विभक्तियां नहीं आती हैं तो आप मेरा संस्कृत का वीडियो देख सकते हैं विभक्तियों का, उसमें फुल एक्सप्लेन किया हुआ, और साथ में उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पर क्लिक कर भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, और उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ऑटोमेटिकली तत्पुरुष समास क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा करण तत्पुरुष। अब हम आते हैं अगले पे, संप्रदान तत्पुरुष पे। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द होता है जो पूरी तरीके से लुप्त होता है, जैसे गौशाला, गौशाला का मतलब गौ के लिए शाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो इस तरीके से के लिए शब्द जहाँ लुप्त होता है वहाँ पर आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब आते हैं अपादान तत्पुरुष पे। अपादान तत्पुरुष में से होता है, बट से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना या कमी होना, उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं अपादान तत्पुरुष का, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब ऋण से अलग हो जाना, ऋण से मुक्त हो जाना। जलहीन, जल से हीन मतलब जल से अलग हो जाना, जल नहीं होना। तो इस तरीके से आपके होता है अपादान तत्पुरुष। अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष पे या फिर संबंध तत्पुरुष पे, जिसमें का की के का लोप होता है। इसमें संबंध मतलब रिलेशन होता है वैसे भी, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री, देश भक्ति, देश की भक्ति। तो यहाँ पर का की के का लोप होता है, वहाँ पर आपका होता है संबंध तत्पुरुष। अब आता है सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आपका में या पर जो होता है उसका क्या होता है, लोप होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, तो में का यहाँ पर लोप है। जैसे ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। तो इस तरीके से आपका ये तत्पुरुष समास जो होता है वो फिनिश होता है। अब हम आते हैं अगले समास पर, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या होता है मतलब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना, क्यों आ गया बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को लेकर कन्फ्यूज होंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव इन इंग्लिश। विशेषण क्या करता है, वो किसी पद की जैसे सब्जेक्ट की क्या बताता है, वो विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो वो ही है कि प्रथम पद हमेशा उत्तर पद मतलब प्रधान पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। उपमेय में उपमान की बात होगी, तुलना होगी, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका कर्मधारय समास। इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल पर आते हैं, हम उदाहरण पर आते हैं कर्मधारय समास के। चरण कमल नीलकंठ, चरण कमल तो को चरण कमल, चरण जो है आपका प्रथम पद है जो आपका क्या है विशेषण है, और कमल आपका क्या है आपका उत्तर पद है जो प्रधान होगा। कमल के समान चरण, यहाँ पर तुलना हो रही है कि जो आपके चरण मतलब पैर हैं वो किसके समान है, कमल के समान है। तो और नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, मतलब कंठ कैसा है, नीला है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझें कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, के समान और है जो, आपको बता दूं पहचान है ये। कर्मधारय समास के अगर समास बिगड़े में के समान या है जो आता है, क्या था के समान या है जो, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उपमेय में उपमान लगाते हैं, तुलना करते हैं, तो के समान या है जो के हिसाब से बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको के समान या है जो मीनिंग में आता है, बोलने में आता है, समझ लीजिए कि वो आपका क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं दूसरे समास पर, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास का बिल्कुल इतना सिंपल और सरल और साधारण है कि आपको इसको ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला पद का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, मतलब कहा जाए तो जब भी आपको संख्या दिख जाए शुरुआत में ही, तो वो आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। जैसे कि आपका, जैसे देखिएगा सप्ताह, सप्ताह मतलब सप्त मतलब सात, सात दिनों का समूह, जिसको क्या कहा जाता है, सप्ताह कहा जाता है। चौराहा, चार राहों का समूह। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर संख्या आ रही है, नंबर आ रहा है, तो मतलब आपका द्विगु समास है। अब आते हैं हम द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं इसमें, प्रधान होते हैं। जैसे कि दोनों पद कैसे प्रधान होते हैं, नदी नाले। देखिएगा इसमें एक पहचान है, इसकी बहुत ज़रूरी पहचान ये कि इन दोनों के बीच में हमेशा हाइफन, हाइफन जो साइन होता है ये लगा रहता है दोनों के बीच में। जब भी आप कोई भी एग्जांपल देखेंगे कर्मधारय का, तो आप देखें वहाँ पर हाइफन लगा रहता है। और इसमें जैसे नदी रहता, नदी और नाले, और अथवा या
और अथवा या। तो इस तरीके से जब भी आएगा तो वो आपका द्वंद समास होगा, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन। तो इस तरीके से वो आपका द्वंद समास होता है। अब हम आते हैं अगले समास पर जिसका नाम है, और आखिरी समास जिसका नाम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर, जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर कहाँ करें, किसी तीसरे की बात करेंगे, मतलब कोई दो लोग मिलकर अर्थात की बात होगी। तो वह मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। अभी नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। देखिएगा, अभी हाल मैंने कर्मधारय समास का एग्जाम्पल बताया था, वहां पर मैंने आपको नीलकंठ ही बोला, तो वहां पर उसका समास विग्रह हो रहा था, तो नीला है जो कंठ, लेकिन वहां पर किसी तीसरे की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कह रहा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इस तरीके से अगर पेपर में आ जाए कि नीलकंठ निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो उसमें बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी आता है। तो आपको बता दूं, आप हमेशा बहुव्रीहि समास ही लगाएंगे पहले। आपको मतलब भले से कर्मधारय भी होता है वो, लेकिन आपको लगाना बहुव्रीहि समास है, मतलब पहले प्राथमिकता दी जाएगी बहुव्रीहि समास को दी जाएगी। तो इस तरीके से एक और मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, दशानन, दश, दशानन। तो दश आपकी संख्या है, तो आप ऑब्वियसली बात, आप कहेंगे दीर्घयु समास है, लेकिन अगर वो ये बात हो कि दस हैं सिर जिसके, दस हैं आनंद जिसके, दस हैं सिर जिसके, अर्थात रावण, तो अर्थात रावण हो जाए तो वो आपका क्या है, आपका बहुव्रीहि समास। और अगर वो सिर्फ दस आनंद, दस सर, बस दस सर की बात होगी, तो वो आपका दीर्घयु समास हो। तो इसमें भी अगर पेपर में जाए कि दशानन निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो आप इसमें भी बहुव्रीहि समास ही लिखेंगे पहले, अगर उसमें दीर्घयु समास और बहुव्रीहि समास लिखा है तो। और अगर अकेला दीर्घयु समास लिखा है तो दीर्घयु समास होगा, और अगर अकेला बहुव्रीहि लिखा है तो बहुव्रीहि होगा, लेकिन अगर दीर्घयु समास भी लिखा है और बहुव्रीहि समास भी लिखा है तो आपको बहुव्रीहि समास लिखना है, दीर्घयु समास नहीं लिखना। जिस प्रकार की कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में से प्राथमिकता बहुव्रीहि को दी जाती है, उसी प्रकार दीर्घयु समास और बहुव्रीहि समास में प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को दी जाएगी। तो इसी तरीके से आपके जो समास थे टोटल आपके क्या हो गए, फिनिश हो गए। अगर आपको ये मेरा जो पूरा लेक्चर है YouTube पे आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भी बाकी के हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, मैथ्स के वीडियो चेक करें, YouTube पूरा चैनल चेक करें और अपना नॉलेज इम्प्रूव करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।